हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह होते ही आपके भाई का एक काम होता है, सबसे पहले वो है नहाने के लिए। तो आज नहाने का है यहाँ पर नदी। उत्तराखंड की ये पहली रिवर हमारी है और पानी है वो तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। अभी हम चलते हैं वहाँ पर नहाने के लिए। कैसा होगा? ठंडा होगा? ठंडा तो होगा क्योंकि रात को ठंड लगी ना, और पानी तो काफी साफ दिख रहा है मुझे, लेकिन उतना ही ठंडा भी होगा। वहां पे ज्यादा गहराई है, वहीं नहाएंगे। और रास्ता है सुबह सुबह ही कुछ आपके बाइक को इस तरह से ट्रैक करना पड़ रहा है। देखो, नहाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से कभी आप नहाने गए हो कमेंट में बता देना। और आपका भाई वाटरप्रूफ गार्ड भी आया है तो पानी के अंदर भी वीडियो बनाएंगे, तो काफ़ी मस्त लगेगा। यहाँ से थोड़ा रास्ता ऐसा है। अरे यार, तो गाइस ट्रैक करते करते आपका भाई आ चुका है नदी के पास, और पानी नहाने के लिए तो बहुत ही मस्त है यहाँ पर। अभी हम नहाएंगे यहाँ। नहाने में बहुत ही मजा आ रहा है, दिल खुश हो रहा है बहुत ही सुबह सुबह। तो पानी इतना ठंडा भी नहीं लग रहा है। सिर्फ श्री महाकाली मंदिर कालसी प्राचीन सिद्धपीठ है। कहते हैं कि यहाँ पर पांडव द्वारा जो माता का विग्रह है वो स्थापित है। पांडव ने अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था, उस समय पांडव ने यहाँ पर व्यतीत किया था और तभी उन्होंने माता की मूर्ति की स्थापना करी थी। द्वापर युग में माता की स्थापना उन्होंने करी थी और आज ये एक मनोकामना सिद्धपीठ है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि क्षेत्रों से यहाँ पे माँ के दर्शनार्थ लोग आते हैं और अपनी मनोकामना मांग के सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी। तो चलो, मैं जा रहा हूँ। प्रसाद लेगा थोड़ा सा, ठीक है, और नारियल ले लोगे गाजर रास्ते में? नारियल ये आपका पोखरी नहीं है? जो लीरान से आ गए पोखरी से एक रोड इधर से बाईपास जंगल जंगल से कटता है, वो 17 किलोमीटर है। अच्छा, वहाँ से मतलब विकास नगर से? अच्छा, मेरे घर से और नरेंद्र नगर नेट जो है 86 किलोमीटर है। 2 घंटे लगते हैं मेरा, ज्यादा नहीं, हर बार से नजदीक है। देखा मैंने आपको, चलो ठीक है। ठीक है, रात में रात में
ज्यादा मीठा नहीं हो जाएगा? कम कम खाना ये कितने दिन अच्छा रहेगा? दस बीस दिन ठीक है। जहाँ जहाँ प्याज लगी वहाँ थोड़ा ये खाए, थोड़ा ये ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया, आराम से जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ ये रास्ता है ना? हाँ, तो यूट्यूब में वीडियो वगैरह डालते हैं, हम देखते रहेंगे। मैंने वो कर दिया सब्सक्राइब आपका, ठीक है। बाईसाइकिल राइडर ब्लॉग, हाँ राइडर ब्लॉग कल दे रखा था। हाँ अच्छा है, वीडियो बढ़िया है। एक जाके भी डाल देना मंदिर के, मंदिर के बनाई है। तो गाइस अपना नारियल है यहाँ पर, और ये प्रसाद कैसे रखे हैं, क्या हुआ भाई? तुलसी गेट दिया था, तुलसी गेट, ये तो वो बोला है ना, वहाँ पर है ना। कहाँ घूमना होगा? मतलब घूमना है तुम्हें, मतलब यहाँ जाने की क्या, कहाँ जाने? ये क्या, यहाँ से नीचे जाओ, ओके, एक बड़ा सा पुल आएगा वहाँ पर ही, ये ऐसा ये बना है पिलर जैसे है, ये मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ। तो बाएं बाएं है या दाएं? यहीं से सीधा जाना है ना, फिर लेफ्ट या राइट? हाँ लेफ्ट जाना। वो ब्रिज कहाँ पर? ब्रिज यहाँ पर ही है, नीचे ही है, लेफ्ट। हाँ तो गाइस कल आ रहे थे तो पता है एक ब्रिज आया था, तो वहाँ पर एक मस्त ऐसे और क्या कह रहे हैं, पूरा प्राचीन ब्रिज भी है, वो फिलहाल टूट गया, लेकिन कुछ ऐसे पिलर है वो खड़े हैं, तो वही मुझे एड्रेस पूछ रहे हैं। मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा तो मैं चला आया, क्योंकि शाम होते ही मुझे ऐसे ठिकाना ढूंढना होता है कहाँ पहुँचा और कहाँ नहीं, और हमारा ठिकाना था ये। बहुत ही मस्त रहा मंदिर का सफ़र, ये बहुत ही मस्त लगा मुझे। तो गाइस चलो अभी चलते हैं हम नए सफ़र पे, माँ काली के सानिध्य में बहुत ही अच्छी नींद आई, जय माँ माँ काली। बहुत ही मस्त मंदिर है, और आप आ रहे हो तो कालसी, यही नाम है यहाँ पर, आप रुकना, बहुत ही मस्त है और लोग भी काफ़ी मस्त हैं, बहुत ही अच्छा। और कल तो ऐसे सोने के लिए मुझे दे दिया, पूरा हॉल दे दिया, पूरी रात ऐसे गोल गोल घूम रहा हूँ, क्योंकि अकेला ही था ना, पूरी रात ऐसे गोल गोल। उनचारी लोग थे वो ऐसे जहाँ माता जी की हॉल है वहाँ पर सोए थे, मैं ऊपर ऐसे भोजन कक्षा वहाँ पर सोया था, तो काफ़ी मस्त लगा मुझे। और चलो अभी हमारे नए दिन की सफ़र पे साइकिलिंग स्टार्ट हो गई है, और व्यू है वो काफ़ी मस्त है। फिलहाल कैमरा मैंने चेस्ट पे लगा रखा है, क्योंकि ये पूरी ढलान उतरनी है ना। तो गाइस अभी एक भैया मिले, उससे पूछा चढ़ाई कितनी है, तो कह रहे हैं इसके बाद तो चढ़ाई चढ़ाई है। लो नाम लिया शैतान हाजिर आई, लेकिन कहा एक घंटे के बाद ठंडा हो जाएगा, मतलब एक घंटे में कितना कवर कर सकूँगा मैं। क्या होगा रे हमारा, ऐसे स्लोली स्लोली जाता रही, चढ़ जाए तो सही है। देखो बैठ के आपका भाई चढ़ा रहा है, वो भी 50 kg वेट के साथ, और अगर सामान ले लिया, दो नारियल और आ गए, वहाँ त्रिवपुर से भी एक नारियल लिया, वो भी है ऐसे ही। वाह वजन कम करना चाहो तो बढ़ता है यार, अभी अभी श्वास फूलने लगी, इसलिए पानी में ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, मतलब मैं अंदर, वैसे तो पानी काफ़ी क्लीन है। वैसे जैसे जैसे नीचे जाएगा पानी पूरा काला कर देते हैं, यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री एरिया है नीचे। अगर पूरी नदी इतनी साफ हो तो कितना अच्छा रहता, हमारे यहाँ तो पूरा ऐसे नदियों में काला काला पानी।
चलो अभी चढ़ाते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा और आप भी बोर हो जाओगे, तो थोड़ी देर कैमरा ऑफ करते हैं। घाट चढ़ाने के बाद मिलते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो गाइस, उत्तराखंड का दूसरा दिन पहाड़ियों से भरा अभी, और ये है पीछे क्या हुआ, 1 किलोमीटर मैंने पहाड़ ऐसे चढ़ा दिया और अपना डंडा मैं मंदिर पे भूल के आ गया था, ये साइकिल खड़ा करने वाला, तो वापस गया और वापस चढ़ाया, तो 2 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा हो गया जैसे, और अभी भी कुछ ये बाकी है। अभी तो स्टार्टिंग है, क्या होगा आगे, जो भी हो जाना तो है ही ना, तो चलिए अभी धीरे धीरे चढ़ाते हैं कुछ। ये पहाड़ी बहुत ही पसीना हो रहा है, गर्मी लग रही है, ठंडा आ जाए तो उसके बाद तो सही है, उसके बाद तो और साइकिल अच्छी जाएगी, पहाड़ी होगा फिर भी आराम से जड़ जाएगी क्योंकि इतनी एनर्जी लगती है, लेकिन गर्मी नहीं होगी ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए अभी बने रहो ब्लॉग के साथ, जय श्री महाकाल। धक्का लगाओ, कुछ इस तरह से धक्का लगाना पड़ता है, अगर ज़्यादा ही आया होया तो फिर तो पूरा ऐसे बाहुबली बन जाना पड़ता है। चलो अभी हम ये चढ़ा देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो गाइस, आपका भाई पहाड़ी पे आ चुका है ऊपर, देखो कितनी मेहनत लगती है, और अभी भी चढ़ाई है, ये देखो वहाँ, और ये बहुत ही बड़ी चढ़ाई है ऐसा लग रहा है, पता नहीं और ऊपर जाना होगा क्या, साइड से ऐसे लेके जाएंगे उसके बाद फिर से ऐसे साइड से ऊपर चढ़ा देंगे। व्यू है वो कुछ ही है, हम वहाँ रुके थे, माता जी का मंदिर यहाँ से दिख रहा है, जय माँ काली, मतलब वहाँ से मैं ऐसे पूरा घूम के आ रहा हूँ, बहुत ही मेहनत है ना। ये है उत्तराखंड की पहाड़ी, देखो बुलेट कैसे जा रही है, इसका साउंड से ही पता चलता है कि ऐसे चढ़ रही है। कोई नहीं, अभी बने रहो ब्लॉग के साथ, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से चढ़ाते हैं पानी के 2-4 घूंट लेके, बने रहे। तो गाइस, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे व्यू है वो कुछ ये हो रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है, पहाड़ों का सफ़र कुछ इस तरह से। चलो ये सब देख के दिल को थोड़ा सुकून तो मिला, बने रहे व्लॉग के साथ, अभी है कुछ थोड़ी चढ़ाई है। तो गाइस, ऐसे नीचे तो रख के ऐसे धक्का लगा रहा था, अभी थोड़ी देर रुका और ऐसे देखा तो क्या देख रहा हूँ, देखो वहाँ से रास्ता जा रहा है, वो वहाँ से खड़ी चढ़ाई है, जैसे कि अभी यहाँ से ऐसे गए, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऊपर, और यार पूरा पहाड़ चढ़ना है, गजब महादेव, इतना हार्ड है, देखो ऐसे ही नहीं होते चार धाम, वो भी हम छोटे चार धाम करने जा रहे हैं, तो बोलना बहुत इजी है ना, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, देखो गाइस हार्ड कितना है, जैसे कि अभी तक 5-6 किलोमीटर मैंने धक्का लगा लिया, और अभी ये और ये 10 किलोमीटर तक पक्का है, ऐसे दिखने में छोटा है लेकिन ऐसे आप घूम घूम के जाओगे तो किलोमीटर तो बढ़ना ही बढ़ना है। वाव, अभी कहीं पे छाँव देखते हैं, नारियल पानी पियेंगे तो उसके बाद आगे, तो बस अभी जय श्री महाकाल, बने रहे ब्लॉग के साथ।
तो गाइस लो अपनी साइकिल यहाँ पर चढ़ाई है वो ये है, मैं बैठा यहाँ पहाड़ के ऊपर। इतनी मेहनत करने के बाद अभी पीते हैं नारियल का पानी, इसको पहले छीलते हैं उसके बाद एक छोटा सा हॉल करेंगे उससे पानी पियेंगे, वरना ऐसे तो गिर जाएगा, अपने पास कुछ है नहीं इसलिए। चलिए पहले इसको छीलते हैं। तो गाइस इस तरह से कुछ पानी पी रहे हैं हम, सिर्फ पानी पीना है अभी फिलहाल, नारियल बाद में खाएंगे। ठीक है सर। तो गाइस ये आर्मी वाले सर थे, अभी अभी जम्मू से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से, और ये हमें नमकीन दे के गए हैं। चलो खा लेते हैं लाजवाब मिक्सचर, और ये नारियल कुछ इतना बचा है ये भी खा लेते हैं, और इसके साथ तो थोड़ा और टेस्ट आ जाएगा। तो चलो अभी खाते हैं मस्त खाना, फिर निकलते हैं। तो गाइस चलो फिर से अभी चढ़ाई चढ़ानी स्टार्ट कर दी है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है। अभी तो और घूमते हुए जाना है हमें। तो गाइस फाइनली हमने चढ़ा दी है पहाड़ी, तकरीबन 8 किलोमीटर की हुई है पहाड़ी, 8 किलोमीटर तक हम धक्का लगा के लाए हैं साइकिल को, सोचो कैसी हालत होगी। देखो हम वहाँ नीचे से आ रहे हैं, वो रास्ता है ऐसा पूरा पहाड़ी चढ़ा के, अभी ये ऊपर थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे उसके बाद निकलते हैं आराम से, बने रहे ब्लॉग के साथ, अभी उतरना है मज़ा आएगा। तो गाइस चलिए अपनी धनो अभी मस्त स्पीड से, इतना धक्का लगाया है अभी उतरना हो चाहे मस्त तो मजा आएगा। तो गाइस रास्ते का काम है, ठंडा है ठंडा है। हाँ पानी उतना बता आपके लिए, अरे आप रमता की भी नहीं पानी उतने गाने भाई इंदिरा साल साल इंडिया का टूर है, अभी नॉर्थ कर रहा हूँ, अभी ऊपर के स्टेट कर रहा हूँ, ये गर्मियों में स्टार्ट होता है ना इसलिए मैंने इस गर्मी से बाइक देखा रूम साइड बाइक रहते हैं। ठीक है सब जाऊंगा, तो अभी तो पूरी ढलान है ना। हाँ ढलान है क्योंकि दूध से। तो गाइस हम आ चुके हैं झरने के पास पानी भरने के लिए, बहुत ही ठंडा पानी है। तो गाइस पानी पी के चलो फिर से चल पड़े हम। तो गाइस अपने धनों को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है, और यहाँ पर आ रहा है झरने का पानी, तो चलो आज कुछ
खोज करते हैं नई सी। वाटरफॉल होना चाहिए यहाँ पर कोई। देखो आपका भाई निकल पड़ा है वाटरफॉल की खोज में। देखो पानी का बहाव, देखो क्या हमें वाटरफॉल मिलेगा। थोड़ा डाउट है ना। तो गाइस आपका भाई देखो निकल पड़ा है एक अनजान से जंगल में, मतलब पहाड़ में, सिर्फ एक वाटरफॉल ढूंढने के लिए। तो ये है, छोटा सा भी है वाटरफॉल, क्या झरना है ये। तो वाटरफॉल उस और से जाते हैं, ऊपर जाएंगे और हम तो और ऊपर जाने वाले हैं पहाड़ के ऊपर। देखो पानी गिर रहा है, वैसे काफी बढ़िया लग रहा है। रास्ता कुछ ये है, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है। ये होती है एडवेंचर लाइफ, वाटरफॉल ढूंढने में कहाँ निकल आए यार। देखो शूज गीले कर लिया मैंने अभी, और हमारी कामयाबी का है। तो हम आ गए वाटरफॉल के पास, फाइनली कुछ तो नया मिला हमें। देखो काफी मस्त लग रहा है ये, अभी मस्त ना आते यहाँ पर, उसके बाद जाके खाना बनाएंगे। तो गाइस देखो बढ़िया वाटरफॉल गिर रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है नहाने में। तो गाइस चलो आपका भाई अभी मस्त नहा लिया है, अभी हम जाएंगे अभी बनाएंगे खाना नीचे जाके, तो बने रहे ब्लॉग के साथ। तो गाइस जाते जाते कुछ ये रास्ता है, अभी हमें जाना है, अभी तो फिसल भी सकते हैं तो थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा। शूज गीले हैं, पानी से ही जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। फिलहाल में यहाँ पे जंप करने जाएंगे तो गिर जाएंगे। अभी रास्ता सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बढ़िया जगह ढूंढ ली ना आपके भाई ने, मैं तो बस ऐसे ही चढ़ गया पानी देख के। वाटरफॉल होगा तो नहा लेंगे। और देखो वाटरफॉल ही वाटरफॉल, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी उत्तराखंड का पहला दिन हमारा दोपहर में काफ़ी मस्त गुजरा है, धक्का लगा लगा के अभी सुकून जैसा हो रहा है। चलिए अभी चलते हैं हम इस रास्ते से। तो गाइस अपना सारा सामान अभी यहाँ पर आ चुका है, अभी हम बनाने वाले हैं खाना। बहुत दिनों बाद हमारा गैस है वो जल रहा है, ये तो जल गया आराम से, तो रखते हैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मस्त जल रहा है। क्या बनाएंगे, राइस है अपने पास और कुछ नहीं है, तो बस राइस बनाते हैं, शाम को देखेंगे क्या है, वरना शाम को रोटी या सब्जी बनाएंगे। सब्जी मुझे लेनी पड़ेगी ऐसा सोच रहा हूँ मैं, तो सब्जी ले लेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम बनाते हैं जीरा राइस। तो गाइस अपना खाना बन रहा है, मैंने चावल है वो बासमती लिए थे तो टेस्ट और बढ़ जाएगा, तो बहुत ही मस्त रहेगा। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद खाना वाना खा के निकलते हैं, बने रहे ब्लॉग के साथ। तो गाइस अपने चावल बन के रेडी हो चुके हैं, अभी खाते हैं उसके बाद चलेंगे थोड़ी देर में। तो गाइस चलो अभी हम
चल रहे हैं यहाँ से दोपहर के बाद, वैसे 2:30 बज चुके हैं। अभी हम चल लिए हैं फिर से मंजिल की ओर, खाना वाना खा के एक वाटरफॉल पे नहा के, वाटरफॉल या झरना भी कह सकते हैं, मिनी वाटरफॉल तो कह ही सकते हैं। तो अभी ये रास्ता है, बैठ के चलाते हैं थोड़ा, उसके बाद देखते हैं चढ़ाई होगी तो उतर जाएंगे। बने रहे ब्लॉग के साथ। तो गाइस बहुत ही धूप हो रही है, तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर बैठे हैं, चढ़ाई चढ़ाते चढ़ाते अभी यहाँ तक आ गए हैं। अभी यमुनोत्री की दूरी यहाँ से 125 किलोमीटर है, अगर ऐसी चढ़ाई रही तो 3 दिन तो लग ही जाएंगे ऐसा लगता है। धूप के मारे बड़ा बेहाल हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बने रहे ब्लॉग के साथ, जय माता जी। गुड इवनिंग गाइस, तो आपका भाई इतनी भयंकर नींद में सो गया था कि कुछ पता ही नहीं चला, और टाइम हो रखा है 5। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, देखो ये पहाड़ी ये रास्ता, ये पहाड़ वहाँ से हम आ रहे हैं, अभी जाना ही सौर है। अभी आगे रास्ता क्या है, चढ़ाई है, कुछ पता नहीं, बस चलते जाना है हमें। तो बस आप भी बने रहे ब्लॉग के साथ, जय श्री महाकाल। मुझे खाओगे? एक ही बचा है मेरे पास, प्रसाद है, दूं? थोड़ी थोड़ी देता हूँ ना आपको भी, सब मिल बांट के खा लेना, ठीक है? दोनों हाथ लो। ठीक है, हैप्पी, खुश हो गए? हेलो, तो गाइस अपने पास और कुछ नहीं है, बस यही है जो पंडित जी ने दिया है, थोड़े प्रसाद हम खा लेते हैं। तो गाइस अभी मैं हूँ यहाँ पर, और मुझे जाना है वहाँ से ऐसे होते हुए, वो देखो ऐसे रास्ता जा रहा है और वहाँ पे जाम लगा पड़ा है, पता नहीं क्यों, जाकर देखते हैं तभी पता चलेगा। बने रहे ब्लॉग के साथ। चलिए यहाँ से थोड़ी उतराइए, हम चले। गाइस यहाँ पे हमारी जो पीछे की ब्रेक्स है वो जाम हो गई थी, तो पूरा मैंने लूज कर दिया, तो देखा कि जो ब्रेक का डट्टा है वो पूरा घिस गया, मतलब हमारी पिछली ब्रेक फेल। अभी मैं ओनली आगे की ब्रेक से काम चला रहा हूँ, वो भी इन पहाड़ी रास्तों से, वो भी ऐसे जाम में। देखो रास्ता देखो कितना बुरा, और पीछे आगे पीछे बस गाड़ी चल रही है, ट्रैवल है, बस है, पिकअप है, और क्या बताएं आपको। तो गाइस देखो हम पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, वाह पहाड़ ही पहाड़,
और अभी हम जगह ढूंढ रहे हैं टेंट लगाने के लिए। यहाँ से ढलान है, उसके बाद नदी दिख रही है, वहाँ पर हम जगह देखेंगे कोई अच्छी सी और टेंट लगाएंगे। तो अभी बने रहो ब्लॉग के साथ। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, मैं वहाँ टेंट लगा के रुक सकता हूँ। टेंट लगाना है, तो हम चले रिवर के पास। अच्छा, हरियाणा की गाड़ी है। इसमें थोड़ा ऑयलिंग करना पड़ेगा ब्रेक्स में। देखो तो जगह तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो कुछ सीखता है। तो अभी चल रही है हमारी फुल टू एडवेंचर वाली लाइफ, बस साइकिल को कुछ नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं। तो गाइस अपना टेंट रेडी है, क्या हुआ वहाँ हमारे पुल पे? पुल पे हाँ, यहाँ कहाँ रहेगा यार, यहाँ कोई खतरा है? इकला आदमी आराम से रहो, हमारे हम भी तो लेते हैं। जीता मरकरी उस भी से ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, आ जाता हूँ, ले चलो। हाँ ले चलो, जाओ सब। हाँ यार, इकले आदमी यार, क्या फायदा यार। वही वही हाँ, क्या होता है है। मतलब बॉडी बॉडी यहाँ पे बॉडी हाँ, ऐसे पानी में बॉडी मिलती है, गरती है ये सामने, ये सब ये सब ये हाँ शमशान घाट है हाँ, तो बोलो। और फिर वैसे भी रात तो रात ही है हाँ, यार क्या पता, बेचारा परदेशी आदमी है, कहाँ जा रहा है, यात्रा पे जा रहा है। अच्छा भाई, हाँ ठीक है, मैं अभी आ लेके आ जाऊँ। गाइस बोले के वक्त है, बोला चाहे वहीं आएंगे, शमशान घाट में टेंट लगा दिया था। चलो कोई नहीं, वो यहाँ वहाँ पे बुला रहे हैं तो चलते हैं हम वहाँ पर ही, जय भोलेनाथ की। तो गाइस शमशान घाट में तंबू लगा दिया अपने भाई ने, देखो क्या से क्या हो गया। कोई नहीं, बुलाने आए, वरना मैं तो भोलेनाथ का नाम लेके पड़ा रहता, और क्या। चलो अभी भोलेनाथ की इच्छा थी तो अभी वहां जा रहे हैं हम, ठीक है।
तंबू वापस हम ऐसे लगा के उखाड़ रहे हैं। तब से मैं सोचूं ये बाल क्यों ऐसे यहाँ पे पड़े हैं, वो बाल है। मैंने सोचा ये घोड़े घोड़े को लेने वाले लाए होंगे तो उसके होंगे। अजीब है ना, क्या से क्या हो जाता है। चलो अभी टेंट वेंट लेके चलते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। जय श्री महाकाल। तो गाइस देखो किस्मत क्या है, कहाँ लेके चली गई थी यार, सोच के ही। रात को क्या होगा, कोई भूत वूत डराटा, बहुत ही एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर वहीं सो गया था तो, क्या होता क्या नहीं कुछ पता नहीं। और अभी तो फिलहाल आपका भाई चल पड़ा है नहाने के लिए, वो भी ये नदी के पास। आज हमारा 3 बार का नहाना हो जाएगा तो बहुत ही मस्त रहेगा। अभी मस्त नहा के आते हैं नदी में, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो बने रहे ब्लॉग के साथ, जय श्री महाकाल। तो गई इस यहाँ पे थोड़ा संभाल के, अभी अभी मैंने पानी में सांप देखा है, पता नहीं वो जहरी है या बिन जहरी है, लेकिन वो ऐसे थमा हुआ पानी है ना वहाँ पर ही रहते हैं, तो बहते वाले पानी में ही नहाने जाते हैं हम। तो चलिए, हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ। कहाँ से हो आप? मैं वैसे तो मेरठ से। मेरठ से हो? हाँ, वैसे देहरादून में रहता हूँ कॉलेज। हाँ, अभी अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हम लोग पहुँच रहे हैं चकराता से। चकराता से तो आगे जा रहे हो कि यहीं तक? नहीं, मसूरी अभी, मसूरी फिर देहरादून। ओके भाई, लास्ट ईयर है ना? हाँ, लास्ट ईयर की ट्रिप है। चलो बहुत ही अच्छा है, नहा लिया आपने तो, मैं नहा के आता हूँ। तो भाई मस्त नहा लिया है अभी आपके भाई ने, और हमें ये बंदे मिल गए। अभी अभी इन्होंने बीटेक ख़त्म कर दिया, अभी अभी इन्होंने बीटेक ख़त्म कर दिया और घूमने निकला है। ये होता है घूमने का क्रेज़, दोस्ती भी, और दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो घूमने वाले हों। हाँ, वो ना जहाँ मन करे वहाँ निकल जाओ। हाँ, जहाँ मन के वहाँ, और ऐसे नदी देखो और कूद पड़ो बस है। शाम के टाइम में तो अलग ही मजा है। हाँ, बहुत ही अलग साफ यमुना नदी तो कहीं मिलेगी नहीं। अरे बहुत ही साफ है, यहाँ से तो साफ है, दिल्ली तक जाते जाते तक काली हो जाएगी। हाँ, वो पूरा इंडस्ट्री एरिया लग चुका है ना भाई, अगर साफ पानी में नहाना तो उत्तराखंड में ही आना पड़ेगा। हकीकत है, और देख भी लिया मैंने तो, मैं तो मान गया हकीकत है। मैं सुबह भी, सुबह दोपहर तीन टाइम नहाना हो गया उत्तराखंड में आज। अच्छा, सुबह आगे एक माँ काली का मंदिर है, कलासी कालसी के कलासी है। कालसी तो चक्राता के पास है। हाँ वही, वहाँ पर, वहाँ से चक्राता से आ रहे। मैं चक्राता नहीं गया, मैं तो इस और से आ रहा हूँ। अच्छा, वो ऐसे पूरी पहाड़ी चढ़ाई। अच्छा, वहाँ महाकाल का मंदिर है वहाँ पर, उसके बाद बीच में आ रहा था तो ऊपर चढ़ गया, एक वाटरफॉल गिर रहा था। अच्छा, हाँ तो वहाँ पर नहा है, और अभी है तीसरी बार यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, वहाँ से बहुत ही बढ़िया उत्तराखंड है। जय श्री महाकाल। तो गाइस आज का हमारा खाना तैयार हो चुका है, और ये भैया लोग हैं हमें ऐसे, और एक भाई यहाँ पर, और जो अंकल जी हमें बुलाने आए थे वो वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर खाना खा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो हर रोज़ वहाँ पर ही खाना खाते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगा था। तो अभी खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते जाना। जय श्री महाकाल।